हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टम डिवाइसेज यानी कि निकाय उपकरण के बारे में। और आज के इस टॉपिक में, ये जो टॉपिक है ये सीएनसी एंड ऑटोमेशन का है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलवीडीटी के बारे में, टैकोमीटर के बारे में, पोटेंशियोमीटर के बारे में और एनकोडर और डिकोडर के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लूप सिस्टम, सेंसर, ट्रांसड्यूसर, एक्चुएटर और जो वेरिएबल परफॉर्मेंस टेक टर्मिनोलॉजीज होती हैं उसके बारे में हमने जाना था। तो आज इसका सेकंड पार्ट है। टाइम मिलने पर हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेंसर और ट्रांसड्यूसर होते हैं उसको एक एक करके मैं समझाऊंगा उस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। हमारे पास देखो, सबसे पहले हमारे पास जो सिस्टम आएगा वो है एलवीडीटी। एलवीडीटी का मतलब होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर या फिर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो इसको समझते हैं। चलो देखो, यहाँ पे आपके पास एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। देखो ये सिलेंडर है पूरा, ये पूरा सिलेंडर है और ये अंदर से हॉलो है पूरा, ठीक है, अंदर से पूरा हॉलो है। अब इस सिलेंडर पे ये प्राइमरी वाइंडिंग हुई है, ठीक है, पूरी। देखो जैसे ये सिलेंडर है, ठीक है, अंदर से पूरा खाली है और इस पे एक प्राइमरी वाइंडिंग हुई है, ठीक है। और ये प्राइमरी वाइंडिंग देखो एसी से कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो चीज है ये एसी से कनेक्टेड है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट से कनेक्टेड है। अब इसी पे दूसरी जगह यहाँ पे सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर है और ये इस तरीके से आपस में कनेक्टेड है, यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्टेड है, सीरीज अपोजिशन में कनेक्टेड है, ताकि इनका जो इनको जो आउटपुट आता है वो E=E1 - E2, ठीक है, ये EMF जनरेट होती है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है और इसी हॉलो सिलेंडर के अंदर हमने ये कोर लगाया हुआ है, ठीक है, ये कोर लगा हुआ है। ये मटेरियल कौन सा है? ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक कोर होता है। इसी का सर्किट डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो। ये एक पूरा हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, एक हॉलो सिलेंडर है, उस पर एक तरफ ये प्राइमरी वाइंडिंग है और अगल बगल उसके सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। इनको इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि इनका जो डिफरेंस इन वोल्टेज आता है वो क्या होता है, V0=V1 - V2। और प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में देखो यहाँ पे कोर लगा हुआ है, ठीक है। देखो प्राइमरी और सेकेंडरी इनके बीच में ये कोर लगा हुआ है, ठीक है। देखो इस तरीके का ये सिलेंडर था, यहाँ से ऐसे, यहाँ पे प्राइमरी है, यहाँ पे सेकेंडरी, बीच में ये कोर है, ठीक है। अब देखो ये प्राइमरी जो है ये एसी से कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोर है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये वर्किंग किस पे करता है? इसका जो प्रिंसिपल है ये है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। अभी म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, चलो म्यूचुअल इंडक्शन देखते हैं। जब हम यहाँ से एसी सप्लाई इसको देते हैं, प्राइमरी सर्किट को एसी सप्लाई देते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई देते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे करंट जनरेट होता है, ठीक है। तो जैसे ही हमने सप्लाई दी, सप्लाई से क्या हुआ, प्राइमरी वाइंडिंग में करंट जनरेट हुआ, करंट जनरेट होने की वजह से वहां पे क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे जनरेट होता है इस तरीके से, तो जब ये लेफ्ट या राइट मूव करेगा तो ये इसमें वोल्टेज को इंड्यूस करेगा, ठीक है। यही होता है म्यूचुअल इंडक्शन, कि करंट से आपके पास वोल्टेज जनरेशन जो आ रही है ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन हुआ, ठीक है। तो ये जो कोर है, जब यहाँ पे करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होता है तो ये कोर लेफ्ट या राइट मूव करता है, जिसकी वजह से इनके बीच में आपस में कपलिंग होती है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो ये राइट की तरफ मूव कर रहा है, ये कोर राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू कुछ हो गई आपकी करीबन 60, मान लो ये वोल्टेज की वैल्यू 60 होगी और यहाँ पे वोल्टेज 10 हो गया, तो आपका फाइनल जो ईएमएफ जनरेट हुआ वो कितना हुआ, ईएमएफ जो जनरेट हुआ कितना हुआ, 60 - 10, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई, 50। अगर ये उल्टा हो जाता तो ये क्या होता, -60 + 10, ठीक है, तो ये कितना हो जाता, -50, ठीक है। तो इस तरीके से हम एसी करंट देने के साथ ईएमएफ जनरेशन जो हो रहा है वो हमारा एलवीडीटी की वजह से होता है, यानी कि देखो ये जो कोर है यहाँ पे ये लीनियर मूव कर रहा है, आगे और पीछे मूव कर रहा है, लीनियर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसीलिए इसका नाम देखो एलवीडीटी दिया है, कोई लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। लीनियर वेरिएबल मूव करने से जो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है उसको हम ईएमएफ में कन्वर्ट करके उसको कैलकुलेट करते हैं, ये होता है एलवीडीटी की वैल्यू, मतलब ये एलवीडीटी पता करते हैं। इसमें आपको चीज याद कर रखनी है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, बीच में कोर होता है,
म्यूचुअल इंडक्शन इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है, करंट जनरेट होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है कोर में, जिसकी वजह से कोर जब आगे पीछे मूव करता है तो वो सेकेंडरी कॉइल के साथ कपल करता है, जिसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होता है, जिसको हम वी वन माइनस वी टू की वैल्यू से निकाल लेते हैं। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और इसको हम लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं, ये दोनों चीज हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या करता है? टैकोमीटर कोई भी, देखो जैसे आपकी कोई बाइक है या ऑटोमोबाइल है या कोई भी इलेक्ट्रिकल शाफ्ट है, जब वो रोटेट करता है तो उसकी स्पीड अगर हमें डिजिटली पता करने की, स्पीड कितनी स्पीड पर जा रहा है, तो हम टैकोमीटर यूज करते हैं। टैकोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको शाफ्ट से लगाने पर शाफ्ट की रोटेटिंग स्पीड यहाँ पे शो करती है। तो ये टैकोमीटर कैसे काम करता है? टैकोमीटर देखो यहाँ पे, ये इसका पिन पॉइंट है जहां से शाफ्ट को लगाया जाता है। ठीक है, शाफ्ट मान लो यहाँ पे कहीं है और वो रोटेट कर रही है, तो शाफ्ट जैसे रोटेट करती है फिर तो ये टिप को वहां पे लगाया जाता है और ये वैल्यू रीड हमारे पास आ जाती है। यहाँ पे देखो क्या होता है, ये जो शाफ्ट है जैसे आप इसको लगाते हैं तो ये भी रोटेट करने लगता है। इस रोटेशन से ये वॉर्म व्हील जो है ये कनेक्टेड होती है। जैसे ही ये रोटेट करेगा तो ये वॉर्म व्हील रोटेट करना शुरू करेगी। वॉर्म व्हील के साथ देखो ये गियर कनेक्टेड है। जैसे ही वॉर्म व्हील रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में तो गियर क्या कहते हैं, इस डायरेक्शन में घूमना शुरू करेगा। गियर के साथ देखो यहाँ पे डायल कनेक्टेड है, इनर डायल है और ये है आउटर डायल। ठीक है, तो जो इनर डायल होती है, जो इनर डायल होता है वो आपका टाइम शो करता है। ठीक है, टाइम शो करता है, और जो आउटर डायल है वो डिस्प्लेसमेंट या स्पीड की वैल्यू ये शो करता है। ठीक है, जैसे ही ये शाफ्ट रोटेट करता है उसी वजह से ये टिप रोटेट करती है, उसकी वजह से ये वॉर्म व्हील रोटेट करता है, तो वॉर्म व्हील से जो गियर कनेक्टेड है तो वो इस डायरेक्शन में घूमने लगता है। जितनी गियर की स्पीड होती है वो इस डायल इंडिकेटर पे शो करती है। ये होता है टैकोमीटर का काम। ठीक है, तो टैकोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी शाफ्ट की एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करता है। कैसे मेजर करता है? उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आके। अगर इसके अंदर के पार्ट के बारे में हम जानना चाहें तो यहाँ पे एक वॉर्म होता है, यहाँ पे एक गियर यूज होता है, डायल इंडिकेटर यूज होता है, दो तरह के, एक इनर डायल और आउटर डायल। इनर डायल टाइम को शो करता है, आउटर डायल डिस्प्लेसमेंट या स्पीड को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में देखो आपको एक चीज पता होगी कि ये एक इस तरीके का ब्रिज होता है आपके पास, एक इस तरीके का ब्रिज होता है ना, ये ब्रिज होता है इस तरीके का, और यहाँ पे एक मीटर होता है जो किसी भी डिस्प्लेसमेंट या जो आपका चेंज इन रेजिस्टेंस है उसको शो करता है। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इस मीटर में जो करंट देने की वजह से जो वेरिएबल रेजिस्टेंस जनरेट होता है उसको बैलेंस करता है किसी भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे, ताकि उस फोर्स की वैल्यू को हम पता कर सके। तो यहाँ पे जो पोटेंशियोमीटर है वो हम दो चीजों के लिए यूज करते हैं, एक लीनियर पोजिशन को नापने के लिए और एक एंगुलर पोजीशन को नापने के लिए। ठीक है, तो चलो देखो क्या होता है। हमने यहाँ पे एक सोर्स लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, इसको इससे जोड़ दिया और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब लीनियर रेजिस्टेंस हमें चाहिए तो हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया और यहाँ पे चेंज इन रेजिस्टेंस के लिए एक स्पीड वो लगा दिया। अब पहले, सबसे पहले इसको कैलिब्रेट कर लेंगे, इसकी वैल्यू जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू को हम जीरो सेट कर लेंगे। जीरो सेट करने के बाद यहाँ पे एक स्लाइडर लगाएंगे, इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक स्लाइडर लगाएंगे। जैसे ही यहाँ से करंट पास होगा, ठीक है, करंट पास होगा तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो देखो ये जो स्लाइडर है ये इसके साथ जिसकी भी हमें मेजरमेंट निकालनी है उसको हम यहाँ पे इसके साथ फिक्स कर देंगे स्लाइडर के साथ। तो जैसे जैसे वो मटेरियल मूव करेगा वैसे वैसे ये स्लाइडर मूव करेगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर, तो इसकी ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है ये हम नोट कर सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू आएगी। देखो इसको पहले जीरो कर दिया था, जैसे ही ये डिस्प्लेस करने लगेगा तो इसकी जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो वैल्यू हमें पता लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेजिस्टिंग एलिमेंट यूज होता है वो एक मैंड्रेल होता है, जिसके ऊपर हम इस तरीके की वाइंडिंग लगाते हैं जिससे कि हमें रेजिस्टेंस का पता लगता है। अब इसी तरीके से अगर हमें एंगुलर पोजीशन निकालनी है तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक इस तरीके का सर्किट ले लेंगे। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आ गए, ठीक है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आ गए, ये एक पोटेंशियोमीटर ब्रिज है, और यहाँ पे इस तरीके का
एक एंगुलर मतलब जैसे जो रोटेशन टाइप का होता है उसमें हमने ये सर्किट लगा दिया और यहाँ पे एक डायल लगा दिया और इनके बीच में एक चेंज इन रेजिस्टेंस का हमने मीटर लगा दिया, ठीक है, चेंज इन रेजिस्टेंस का मीटर लगा दिया। अब क्या होता है, जैसे हम सप्लाई देते हैं, करंट सप्लाई देते हैं, तो पहले हमने इसकी वैल्यू को जीरो कर लिया है यहाँ पे। अब जैसे ही करंट सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे करंट जो जनरेट होगा, ठीक है, इसकी वजह से ये जो स्लाइडर है, ठीक है, जिसका भी एंगुलर पोजिशन हमें कैलकुलेट करना है उसको इस स्लाइडर से हम जोड़ देंगे। तो ये स्लाइडर क्या कहते हैं, जैसे जैसे वो जो मटेरियल जिसका हमें एंगुलर पोजिशन नापना है वो एलिमेंट घूमेगा, इस तरीके से घूमेगा, तो ये स्लाइडर भी इस तरीके से घूमेगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे जनरेट होगी जिसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे जो रेजिस्टिंग एलिमेंट होता है वो इस तरीके का मैंड्रेल होता है जिसपे कुछ रेजिस्टेंस वायर इस तरीके से लगा होता है। तो ठीक है, यहाँ पे भी लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट हम करते हैं किससे, रेजिस्टेंस को बैलेंस करके उसकी फोर्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वजह से ही ये जो मटेरियल था ये मूव कर रहा था और इसकी रीडिंग कहाँ पे आई, यहाँ वेरिएबल रेजिस्टेंस पे। तो इस तरीके से ये पोटेंशियोमीटर काम करता है। नेक्स्ट है आपका एनकोडर और डिकोडर। एनकोडर डिकोडर का अगर एग्जांपल हमें समझना हो तो जो आपके लैपटॉप या जो मोबाइल है उस पर जो कीपैड होता है वो एक तरीके का एनकोडर और डिकोडर ही है। ठीक है, जो आप वीपीएन सर्विस यूज करते हैं, डाटा कम्युनिकेशन में जो डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, जो आप एनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड चीज जो समझते हैं, व्हाट्सएप पे भी आपने देखा होगा एनक्रिप्टेड लिखा होता है, एनक्रिप्ट करने के लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए, ये सब एनकोडर और डिकोडर ही है। ठीक है, एनकोडर डिकोडर में क्या होता है, देखो एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। जब एनकोडर का मतलब है कि किसी कोड या मोशन में कन्वर्ट करना, ठीक है, किसी सिग्नल या किसी कोड को मोशन में कन्वर्ट करना। और डिकोडर काम है किसी कोड को सिग्नल में कन्वर्ट करना। ये एक तरीके से एनकोडर जो है वो फीडबैक डिवाइस होता है, ठीक है, फीडबैक डिवाइस होता है। अब ये काम कैसे करता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे चलो सपोज हमने करिए एक एनकोडर ले लिया, ठीक है, एक एनकोडर ले लिया। एनकोडर में क्या होगा, आपके पास कुछ इनपुट आएंगे, ठीक है, सपोज करो हमारे पास चार इनपुट है, एन इज इनपुट और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, फोर। ठीक है, चलो ये दे देते हैं हम यहाँ पे आई 0 0, ठीक है, आई 0 1, आई 1 0, आई 1 1, ठीक है। ये जो एनकोडर है ये है 4 × 2 का, ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे चार इनपुट है तो यहाँ पे दो आउटपुट होंगे। ठीक है, अब इन चारों में से ही कोई आउटपुट होगा इसका, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ से ये सिग्नल पास हो रहा है, यहाँ से इस एनकोडर से ये सिग्नल पास हो रहा है, यानी कि इस सिग्नल से हमें ये कोड यहाँ पे शो करेगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 और 0, क्योंकि यहाँ चार इनपुट से दो इनपुट हमें मिल रहे हैं, तो यानी कि हमें सिग्नल कौन सा मिला, I 1 0, यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 1 0। ठीक है, अब डिकोडर क्या करेगा, डिकोडर इस कोड को डिकोड करेगा। ठीक है, यहाँ पे एनकोडर लगा है, यहाँ पे डिकोडर आ गया। ये डिकोडर देखो, एनकोडर जब 4 × 2 का था, चार इनपुट और दो आउटपुट, तो इसका जस्ट उल्टा होगा, दो इनपुट और चार आउटपुट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे चार आउटपुट बाहर की तरफ निकले होंगे। अब सिग्नल किस पे पकड़ेगा वो चीज हमें देखनी है। देखो यहाँ से जैसे यहाँ पे I 1 0 का सिग्नल था, यहाँ पे जो कोड आया 1 0, तो ये किस सिग्नल पे आएगा, ये इस सिग्नल पे इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये चार मतलब पांच आउटपुट क्यों नहीं हुए, छह आउटपुट क्यों नहीं हुए, तो देखो यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो कितनी है, 4। एन की वैल्यू जो है वो है 4, तो ये किस पे काम करता है, ये 2 की पावर पे काम करेगा, 2 की पावर पे, तो 2 पावर 2 हो गया यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये एनकोडर और डिकोडर काम करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने LVDT, टैकोमीटर, पोटेंशियोमीटर और एनकोडर और डिकोडर के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो इसको आगे शेयर करें और मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, आज की इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अगर टाइम मिला तो मैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर और ट्रांसड्यूसर है उसके बारे में आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, आज की इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।